B.S. Yadav. Today I am going to start a vocab session for SSC Bank and other exams also. Just have a look here. It is first session and just I am going to deliver a lecture on phrasal verbs. There are some phrasal verbs. यहाँ पर कुछ phrasal verbs हैं जिसके बारे में मैं आपके सामने discuss करना चाह रहा हूँ और exam में हमारे लिए बहुत ही important ये रोल अदा करती है. मिनिमम दो या तीन एडवर्ब जो फ्रेजल वर्ब्स होती है वो हमारे एग्जाम में आती है. यहाँ पर जो पहली फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है वो लिखी हुई है पुल ऑफ. पुल ऑफ, पुल ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग साथ में लिखा हुआ है वो है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट. मतलब किसी भी डिफिकल्ट काम को करने में सक्सीड होना, सफल होना. यदि हम इसको याद करते हैं, याद कैसे करें इसके लिए ट्रिक अगर हम देखना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक को अगर हम याद करें, देखिए पुल मतलब खींचना. जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं ट्रेन की चीज को, जैसे मान लो कोई समस्या आ गई, कोई टाइगर आ गया, कोई गाय आ गई ट्रेन के आगे, उसे हम रोकना चाहते हैं तो हम क्या करें, चेन को खींचते हैं, पुल करते हैं. तो जब चेन को पुल किया तो ट्रेन क्या हुई, ऑफ हुई. पुल ऑफ मतलब ट्रेन को, चेन को खींचने के बाद ट्रेन क्या हो गई, ऑफ हो गई. और आप उस टाइगर को और किसी भी जानवर को बचाने में क्या हो गए, सक्सीड मतलब सफल हो गए. जो कठिन काम था वो आपने पुल ऑफ कर दिया, कठिन काम को क्या किया, सक्सीड किया. इसी के बाद में हमारी जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ. पुट ऑफ, पुट ऑफ का मीनिंग होता है पोस्टपोन. पोस्टपोन को अगर हम देखें तो हिंदी मतलब इसका स्थगित करना होता है. और स्थगित करना अगर हम इसको याद करें तो पुट मतलब रखना, ऑफ मतलब बंद. मतलब अगर हम देखें कि हम यूं कहते हैं आज इंस्टीट्यूट बंद है, आज मीटिंग बंद है, पुट ऑफ मतलब बंद रख दी है. कहने का मतलब मीटिंग को क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया है. उसके बाद हमारी तीसरी फ्रेजल वर्ब आती है गिव इन. गिव इन, देखो बच्चों गिव इन को हम याद कर सकते हैं बड़ी आसानी से. कैसे, इसका मतलब यील्ड और टू सरेंडर. अगर हिंदी देखें तो आत्मसमर्पण करना. हम अगर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो कैसे करें, देखो कोई बड़ा व्यक्ति जिसने कोई गुनाह किया है, जैसे कोई मिनिस्टर हो सकता है, कोई रेस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है, वह व्यक्ति अगर समर्पित करना चाहता है, अपने आप को समर्पण कर रहा है पुलिस में जाकर के, तो कैसे करें, देखिए गिव मतलब देना, इन मतलब अंदर, मतलब अपने आप को अंदर जाकर के दे देना. ऐसे हम याद कर सकते हैं मतलब टू सरेंडर, समर्पित करना. इसी के लिए एक और फ्रेजल वर्ब मैं आपके लिए यहां लिख सकता हूं, लिव ले डाउन. ले डाउन, ले डाउन, ले डाउन का मतलब भी क्या होता है, टू सरेंडर, समर्पण करना. और ले डाउन को आप याद कर सकते हो, ले मतलब लेटाना, डाउन मतलब नीचे, अपने हथियारों के नीचे लेटा देना. मतलब ले डाउन मतलब सरेंडर करना, आपको समर्पित करना, समर्पण करना. नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब आपकी आती है वो है गिव अप. वाइस, यह जो फ्रेजल वर्ब है बहुत ही ज्यादा यूज की जाने वाली है, सभी बहुत यूज करते हैं. और गिव अप मतलब छोड़ना, किसी भी चीज को छोड़ना. जैसे डोंट गिव अप, डोंट गिव अप व्हेन एवर यू डोंट गेट सक्सेस. मतलब जब तक आप सक्सेस नहीं होते, सक्सेस नहीं प्राप्त करते, तब तक लीव मत करो, छोड़ो मत. अबेंडन, त्यागो मत, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, त्यागना. उसके बाद हम देखते हैं रन इनटू. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपकी है रन इनटू. रन इनटू का मतलब होता है टू मीट बाय चांस, अचानक से किसी से मिलना. बीच रास्ते में आप लोग चल रहे हो और अचानक से किसी से मिल जाते हो, मतलब आप क्या हो गए, रन इनटू. इसी के लिए एक और फ्रेजल वर्ब आप याद कर सकते हो, वह होती है कम अक्रॉस. कम अक्रॉस कैसे याद रखो, कम मतलब आना, अक्रॉस जब आप कोई किसी से मिलते हो तो एक दूसरे के क्रॉस होते हो, मतलब मीट बाय चांस, अचानक से किसी से मिल जाना. दो फ्रेजल वर्ब है रन इनटू, कम अक्रॉस. उसी के बाद में एक और फ्रेजल वर्ब आपके सामने लिखी हुई है ले आउट. ले आउट का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है टू स्पेंड, खर्च करना. देखिए याद कैसे करेंगे, स्पेंड मतलब खर्च करना, ले जैसे पैसे को क्या किया, जेब से निकाला बाहर और फिर दुकानदार को जाकर के हमने कहा ले, मतलब ले आउट मीन्स टू स्पेंड. नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कट डाउन. कट डाउन, कट मतलब काटना और आप समझ सकते हो रिड्यूस लिखा हुआ है, टू रिड्यूस का मतलब किसी चीज में कमी करना, कटौती करना. कट डाउन मीन्स टू कट
डाउन मीन्स टू रिड्यूस करना, इस प्रकार से हमारी फ्रेजल वर्ब से पहले पुट पुल ऑफ है जिसका मतलब टू सक्सीड है, पुट ऑफ है जिसका मतलब टू पोस्टपोन है, लेट डाउन और गिव इन नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब से जिनका मतलब टू सरेंडर या फिर टू यील्ड, नेक्स्ट हमारी गिव अप है जिसका मतलब टू लीव, नेक्स्ट हमारी है रन इनटू एंड कम अक्रॉस, बोथ आर इक्वल इन मीनिंग एंड विच मीन्स मीट बाय चांस, एंड नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज लेआउट विच मीन्स टू स्पेंड, एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब इज कट डाउन इट मीन्स टू रिड्यूस। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, शेयर करना न भूले, और पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। थैंक यू।